साथियों, आज की ताजा खबरें हम लोग देखते हैं। आज क्या क्या आया है अखबारों के अंदर, एजुकेशन से संबंधित में यहाँ पर खबर आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। अगर आपके लिए काम की खबर है तो आप प्लीज उसे पूरा जरूर पढ़िएगा, ताकि आपके लिए काम अच्छा निकले। देखिएगा, अगर आपको इस तरह की खबरें और इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर है, कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर है, परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी नहीं, अब नए सिरे से कैलेंडर तय करने की कवायद शुरू की गई है। सितंबर की जो है चारों भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा कैलेंडर में आएगी परीक्षाओं की नई तिथियां। चार भर्ती परीक्षाओं की ये स्थिति रही है साथियों। देखिएगा, आप लोगों के लिए काम की खबरें, सूचना सहायक ये परीक्षा 9 सितंबर को होनी थी, इसमें 1 सप्ताह का समय बचा है। अभी तो प्रवेश पत्र तक भी जारी नहीं हुए, इसे तय है कि इस दिन परीक्षा नहीं होगी। इसमें 2,730 पदों पर यह परीक्षा लेने वाली था बोर्ड, लेकिन अब नहीं होगा। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 17 सितंबर को होना था, और लेकिन अभी तक इसमें कुल आवेदनों में से 15 गुना का चयन नहीं हुआ। इस कारण ये तय है कि इस दिन परीक्षा नहीं होगी। ये 5,388 पदों के लिए निकली थी भर्ती। अगली है संविदा नर्स भर्ती। इसकी भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को होनी थी, लेकिन बोर्ड ने अभी तक इस परीक्षा को लेकर भी पूरी तैयारी नहीं की। इस कारण तय तिथि को परीक्षा होना मुश्किल है। इसमें 1,588 पदों पर ये निकला था। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती थी, 24 सितंबर को इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई और ना ही अभी तक इसके आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाई। आवेदन की प्रक्रिया भी 1 महीने चलती है, इसलिए परीक्षा स्थगित होना तय है साथियों। अब क्या कहते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी, हमने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जल्दी इसको जारी कर दिया जाएगा। आलोक राज ऐसा कहते हैं, हम बोर्ड से लगातार मांग कर रहे हैं कि नया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके। परीक्षा तिथियों पर असमंजस चलते हुए ठीक तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। भरत बेनीवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड ही पता नहीं कैसा हो गया, आरपीएच जैसा हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, अध्यापक सामाजिक विज्ञान 4 से 14 सितंबर तक होगी काउंसलिंग। अब सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आ गया, 4 से 14 सितंबर तक काउंसलिंग होनी है। परिणाम जल्द जारी हो इसलिए 10 दिन में 3,293 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है साथियों। आयोग में होगी काउंसलिंग, 225 अभ्यर्थियों की एक पारी में होगी। आयोग द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन 450 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। पहली पारी में सुबह 225 और दूसरी पारी में 225 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग यहां पर चल रही है साथियों। लगातार परीक्षाओं की प्रक्रिया एक नजर में, विज्ञापन जारी हुआ 5 अप्रैल 2022 को 1,632, सामाजिक विज्ञान में 21 दिसंबर 2022 को हुई, फिर 30 जुलाई को ली गई सामान्य ज्ञान की परीक्षा, और 31 अगस्त को जारी हुआ इसका रिजल्ट। अगली खबर है साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और सहायक आचार्य गृह विज्ञान 6 से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 533 पदों पर भर्ती निकाली गई है, आरपीएससी ने आवेदन मांगे हैं। अगर आपके लिए खबर अच्छी है तो आप इसे जरूर से जरूर जो है पढ़िएगा साथियों, ताकि खाली ओएमआर सीट में न हो फर्जीवाड़ा, इसलिए ऐसा किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों ने प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं होने पर यदि 5 विकल्प को नहीं भरा तो प्रत्येक प्रश्न का एक तिहाई अंक काटा जाएगा। आरपीएससी ने यह व्यवस्था आरंभ कर दी है। आरपीएससी सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित अधिकांश भर्ती परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं। उत्तर पुस्तिका ओएमआर आंसर शीट के एक प्रति परीक्षा केंद्र में ही अभ्यर्थी को सौंप दी जाती है, जिस पर स्वयं अभ्यर्थी एवं विकसक के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी स्तर पर मूल उत्तर पुस्तिका से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके। गत वर्षों में कुछ राज्यों में नकल माफियाओं ने प्रयास किया कि उत्तर पुस्तिकाओं को एनकेन प्रकरण खाली छोड़ दिया जाए, ताकि बाद में उसमें गड़बड़ी किया जाना संभव हो सके। इसलिए आयोग ने यह तय किया है कि आगामी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प रखे जाएंगे। पांचवा विकल्प अनुत्तरित प्रश्न का होगा, और अभ्यर्थी को प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं होने पर पांचवा विकल्प तो उसे भरना ही होगा, आवश्यक रूप से भरना अनिवार्य होगा, ताकि मूल उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कारण ये प्रावधान भी किया गया है कि प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं होने के बावजूद अभ्यर्थी ने पांचवा विकल्प को नहीं भरा तो प्रत्येक प्रश्न का एक तिहाई अंक काटा जाएगा। नहीं भरोगे तो भी काटा जाएगा, तो भरना जरूरी है भाई, भरना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए ई नवाचार के पहल 5 को
शिक्षक के अवकाश या पद रिक्त होने पर होगा ई कक्षा का संचालन। शिक्षक दिवस पर 12,000 से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को होगा ई एजुकेशन का शुभारंभ। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की जा रही है साथियों, अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है इस चीज के लिए। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एकमात्र राजकीय खुला विश्वविद्यालय है। यूजी और पीजी सहित विभिन्न परीक्षाओं के प्रमोटी प्रवेश प्रारंभ प्रमाण पत्र डिप्लोमा में नव प्रवेश प्रारंभ शुरू हो चुके हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप देखिएगा। यूजी और पीजी कार्यक्रमों में नव प्रवेश तथा एमएससी और बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु प्रत्यक्ष विज्ञप्ति जारी की जाएगी। राज्य में केवल खुला विश्वविद्यालय में यही है। महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है। महिलाओं के द्वारा पूरा का पूरा निःशुल्क कार्यक्रम है साथियों। तो आप लोग, मैं तो कहता हूँ महिलाओं को जरूर करवाया जाए, निःशुल्क है, फॉर्म भरवाया जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब आरबीएससी सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी। 10वीं में 65.49%, 12वीं में 76 पॉइंट इतने पास हुए, 12वीं में लड़कियां आगे रही। अधिसूचना जारी। बिजली कर्मचारियों रेशमा के दायरे में अब 6 माह तक नहीं कर पाएंगे हड़ताल। बिजली को अब अति आवश्यक सेवा में शामिल कर रेशमा के दायरे में ले लिया गया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब बिजली कर्मचारी और संगठन आगामी 6 माह में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी खबर है, नहीं तो बिजली कर्मचारी भी बहुत भारी पड़ गए थे। एएनएम जीएनएम और एलएचवी के 145 पदों पर आवेदनों की छटनी पूरी हो चुकी है। अब इसकी भी मतलब लोगों को फायदा मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। अवैध शादी से पैदा हुई संतान वैध है। अगर अवैध शादी से भी संतान पैदा होती है उसको भी वैध मान लिया गया है। माता पिता के अर्जित संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति का अधिकारी भी वो रहेगा। हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 16(3) का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब पैदा हो जाएंगे तो भी वो वैध माने जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश। मणिपुर में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अगली सुनवाई में सरकार का क्या कदम है उसकी जानकारी दी गई है। असम ट्रांसफर किया था मुकदमा, तो ये सारी बातें इसमें हुई। मणिपुर में तो बहुत बुरी घटनाएं हुई है। कानून संशोधन, सजा के प्रावधान और सख्त हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल करने वालों को होगी उम्र कैद तक की सजा। उम्र कैद तक की सजा अब मिलेगी। संपत्ति कुर्क करने और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है अगर कोई ऐसा करता है तो। अगली खबर है साथियों, यहाँ पर सोशल मीडिया वाली बात है। आरजीएचएस कार्ड से मित्र का इलाज कराया, उसकी मौत पर कार्डधारी शिक्षक कोर्ट के चक्कर काट रहा है। सागवाड़ा में ऐसा कोई मामला नहीं। सोशल मीडिया पर गलत मैसेज वायरल हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। ये गलत बात है, ये खबर में खंडित करता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कौन पसेगा अपने जीवन को, अपने बर्बाद कौन करेगा। भर्ती मरीज का फोटो लिया जाता है इसलिए यह संभव नहीं है, ऐसा माना गया है। तो साथियों ये खबरें हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी और आप इन्हें जरूर देखेगा। थोड़ा बहुत हिंट ही देखेगा लेकिन जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।